हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि जब आप टीवी देख रहे हो तो आपको टीवी देखने का मन हो तो आप टीवी देखिए, रिमोट मत जोड़िए। कई बार क्या होता है, घर में जब हम टीवी ढूंढ स्टार्ट करने वाले होते हैं, टीवी का रिमोट मिल जाता है और हमें डीटीएच का रिमोट नहीं मिल रहा होता, उसको हम रिमोट ढूंढ रहे होते हैं, तो कई बार एक दूसरे रिमोट के ढूंढने में टाइम खराब कर देते हैं। तो जब आपके पास रिमोट है डीटीएच का और टीवी का, तो क्यों आपको टीवी का रिमोट ऑन करने की जरूरत है? इसका रिमोट भी हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, जैसे इसको टीवी भी पावर ऑन हो जाएगी, वॉल्यूम भी प्लस माइनस हो जाएगा और आपका डीटीएच भी चलेगा इसी से। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है, हम आपको ले चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे किस तरीके इस रिमोट पर आप टीवी का रिमोट भी कन्फिगर कर सकते हैं और उसके बाद आप एक ही रिमोट का यूज करके टीवी भी ऑन कर पाएंगे और अपने डीटीएच को भी चला पाएंगे। इससे आपको बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपको रिमोट को ढूंढने में ज्यादा झंझट भी नहीं होगी। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, चलिए ले चलते हैं हम आपकी स्क्रीन पर और दिखाते हैं ये किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे अपने यूनिवर्सल रिमोट को टाटा स्काई और टीवी के लिए कैसे इसी रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये हमारे रिमोट टाटा स्काई का है और ये हमारे टीवी का रिमोट है। ये दोनों को रिमोट को हम इस तरीके से एंगल में रखेंगे सामने। उसके बाद अपने टाटा स्काई के रिमोट पर हम सिलेक्ट बटन एंड टू बटन के साथ में हम प्रेस करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद ये यहाँ पर आपको लाइट ऑन दिखाई देगी। इसके बाद हमें एक्टिवेट होना है पावर बटन को, तो पावर बटन दबाएंगे एक बार, एक बार लाइट ब्लिंक हुई। उसके बाद टीवी रिमोट पर पावर बटन दबाएंगे एक बार, देखिए वहाँ पर यहाँ पर भी लाइट ब्लिंक हुई दो बार, तब सही हो गया। उसके बाद हमें सिलेक्ट दबाना है, यानी कि अभी ये कंफर्म हो गया, अब हमारा ये पावर बटन बन गया है टीवी के लिए। तो दोस्त, अभी हम किसको टीवी के कैसे यूज़ करेंगे, ये यूनिवर्सल बटन दबाएंगे या लाइट जल जाएगी, तो अभी ये रिमोट टीवी के लिए काम करेगा। ऑन करेंगे तो टीवी ऑन हो जाएगी, इसे उसका टाटा स्काई ऑन करना है तो उसको पहले एक बार ऑफ करेंगे, अब ऑन करेंगे तो टाटा स्काई के लिए काम करेगा। तो इसी तरीके से हम आपको वॉल्यूम की भी बता देंगे टीवी के लिए और टाटा स्काई के लिए, सेम वही प्रोसेस रहेगा। फिर से हम सेलेक्ट बटन और टू को होल्ड कर रखेंगे जब तक लाइट ऑन ना हो जाए। देखिए जैसे यहाँ लाइट ऑन हो जाती है, एक बार हम प्लस वॉल्यूम को दबाएंगे और टीवी की प्लस वॉल्यूम को भी दबाएंगे, दो बार लाइट, फोर टाइम लाइट जलती है तो ये फेल हो गया, अगर टू बार लाइट जलती है तो सक्सेस हुआ। तो हम इसके लिए जब यहाँ पर फोर टाइम मिली थी, फोर टाइम दोबारा कैंसिल करके दोबारा से प्रेस करेंगे होल्ड और सिलेक्ट बटन और टू बटन। उसके बाद जब लाइट ऑन हो जाएगी तो एक बार हम फिर से प्लस वॉल्यूम दबाएंगे और टीवी के प्लस में फिर प्लस वॉल्यूम दबाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर टू बार ब्लिक किया, यानी कि ये सक्सेस हो गया। इसके बाद सिलेक्ट दबाएंगे, अब ये टीवी के लिए प्लस वॉल्यूम सक्सेस हो गया। इसी तरह माइनस में भी हम कर लेंगे दोनों में दबा के, सेम प्रोसेस है। और जब भी टीवी के लिए अब यूज़ करेंगे तो आप इसको दबाएंगे तो जब लाइट यहाँ पर ऑन रहेगी, जब टीवी का रिमोट होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस होगा, पावर ऑफ होगी टीवी, और भी फंक्शन चाहते हैं तो और भी फंक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसी तरीके से। और जब टाटा स्काई यूज़ करना है तो इस बटन को बटन वापस दबाना है, लाइट ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद ही टाटा स्काई का रिमोट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये स्टेप है, अब स्टेप यूज़ करके आप अपने एक ही रिमोट से टीवी और टाटा स्काई को ऑपरेट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।